हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टडी कैंपस। स्टडी कैंपस के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और हम कर रहे थे बिजनेस लॉ, जो कि आपका कॉलेज में बीकॉम में एक सब्जेक्ट है। और इसमें अभी तक हमने बहुत सारे टॉपिक कवर किए हैं, जो कि अभी तक हमारा पहला चैप्टर ही चल रहा है। और यकीन मानिए, वो बहुत ज़्यादा मार्क्स का है, इस वजह से वो चैप्टर बहुत बड़ा भी है और उसमें क्वेश्चन बहुत सारे आने के चांसेस होंगे आपके। टोटल 5 क्वेश्चन जो आते हैं, उसमें से अराउंड आपको 2 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, अराउंड 2 या 3 क्वेश्चन आपको उसी में से देखने को मिल जाते हैं। तो इसीलिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत लेंथी है चैप्टर। और जितनी वीडियो अभी तक बन चुकी है, आई होप वो सभी वीडियोस आप सभी ने देखी हो और वो आपको समझ में भी आई हो। अगर नहीं देखी तो जाइए देखिए पहले वो वीडियोस, देन फिर ये वाली वीडियोस देखिए आप। कोई भी डाउट हो उसमें तो हम उसे पूछ सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं। आज बच्चों, आज की इस वीडियो में मैं आपका जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, अनुबंध अधिनियम, उसी चैप्टर के 2 क्वेश्चन, एक जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में काउंट किए जाते हैं, वो क्वेश्चंस आज हम डिस्कस करेंगे। बाकी जो भी टॉपिक हमने किया उनसे थोड़े से अलग है, वो 2 क्वेश्चंस हैं जो मैं चाहता हूँ कि आपके साथ शेयर करूँ, क्योंकि ये क्वेश्चन मुझे लगता है कि एग्जाम में आने लायक है। तो आज की इस वीडियो में हम सिर्फ वही 2 क्वेश्चंस करेंगे और फिर नेक्स्ट वीडियो में इस सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन आज की इस वीडियो में हम उन 2 क्वेश्चंस को करते हैं। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए डायरेक्ट देखते हैं वो क्वेश्चन है क्या। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है हमारे सामने, वो है क्वेश्चन बेटा ये, क्या मौन रहना कपट है? अगर अनुबंध की बात करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट या समझौता, एग्रीमेंट, इनमें से आप किसी की भी बात करो, और ऐसे में किसी ने अगर आपको ऑफर दिया किसी काम को करने ना करने के लिए किसी भी तरीके से, और ऐसे में अगर आप चुप रह जाते हो, तो क्या इसे हम कपट कहेंगे या नहीं कहेंगे? तो वो हम इस क्वेश्चन में आज जानेंगे। और मेरे अकॉर्डिंग ये इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन, इस वजह से ये क्वेश्चन आज हम कर रहे हैं। तो देखो, कपट जिसे हम फ्रॉड कहते हैं, और साइलेंस आपकी जो चुप्पी है किसी भी ऑफर को लेकर, अगर मैं आपसे कहूं कि मैं ये कार बेचना चाहता हूं, क्या आप खरीदोगे? और अब आप चुप रह गए इस बात पे, तो अब मैं इस चीज को क्या समझूं? क्या मैं आपका वेट करूं कि आप आओगे गाड़ी खरीदोगे मेरी, या फिर मैं आपका वेट ना करूं और उसको किसी और को बेचूं? तो यहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है, ठीक है। या फिर अगर आप किसी का मकान खरीदने के लिए गए, आपने कहा कि मैं आपका मकान खरीदना चाहता हूँ 10 लाख रुपए में, वैसे 10 लाख में तो आता भी नहीं है, लेट सपोज आपने कहा 10 लाख रुपए में, और सामने वाला पर्सन चुप रह गया, तो क्या ऐसे में उसने अपनी सहमति दी नहीं दी, क्या है सब कुछ? या फिर आप LIC, कोई LIC एजेंट आपके पास आया और उसने आपको लाइफ इंश्योरेंस के बहुत सारे फायदे बताए, देन आपने उसे क्वेश्चंस किया कि जब ये मैच्योरिटी पूरी हो जाएगी तब मुझे पूरा पैसा आसानी से मिल जाएगा या नहीं मिलेगा, इस बात पे वो चुप्पी साध गया, उसे कुछ नहीं बोला, तो क्या ऐसे में आप क्या समझोगे? तो ये सारी चीजें हम इस क्वेश्चन में देखेंगे। तो लिखा हुआ है धारा 17 के अनुसार, साधारणतः मौन रहना कपट नहीं है। धारा 17 में बताया गया है कि साधारण रूप से अगर कोई पर्सन मौन रह जाता है तो उसको कपट या उसको फ्रॉड नहीं कहेंगे, चाहे उससे किसी व्यक्ति की इच्छा पर प्रभाव पड़े या ना पड़े। मतलब अभी तो मैंने जो भी केस आपको बताए उसमें अगर कोई पर्सन चुप रह भी जाता है तो उसको हम फ्रॉड नहीं कहेंगे। आगे लिखा है, तथ्यों के संबंध में मौन रहना जिससे दूसरे पक्ष की अनुबंध करने की इच्छा प्रभावित होती हो कपट नहीं कहलाता। तो यहाँ पे इन्होंने डायरेक्ट आपको मना कर दिया कि वो कपट नहीं है, भले ही अनुबंध करने में या समझौता करने में उस पर कोई फर्क पड़े या ना पड़े इस बात से, लेकिन वो कपट नहीं कहेंगे हम। तो अभी आपको लग रहा होगा ये तो गलत बात है, अब ऐसे में अगर सामने वाला चुप हो गया तो अब हम क्या समझे, हम तो बीच में अटक गए, राइट?
और कानून तो उसको कपट भी नहीं कहता, फ्रॉड भी नहीं कहता इस चीज को। तो क्या है देखो, इस नियम के निम्न दो अपवाद है, दो पॉइंट है, अर्थात इन दो परिस्थितियों में मौन रहना कपट समझा जाएगा। अब देखो आगे ना मुद्दे पे, कि ये दो परिस्थिति ऐसी है जहां पर मौन रहना फ्रॉड कहलाता है। एग्जाम्पल, यदि परिस्थिति इस प्रकार की है कि मौन रहने वाले व्यक्ति को बोलना कर्तव्य है, मतलब अगर कोई सिचुएशन ऐसी बन जाए कि सामने वाले का बोलना उसका वो कर्तव्य है, अब उसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको कुछ ना कुछ बोलना पड़ेगा ऐसे सिचुएशन में, तो ऐसे सिचुएशन में हम क्या कहेंगे कि भाई ये कपट है। तो कंडीशन अगर ऐसी है कि सामने वाले का मौन रहना चलेगा नहीं, इवन उसका बोलना उसका कर्तव्य माना जाएगा, बिना बोले काम नहीं चलेगा, तो ऐसी सिचुएशन में अगर वो चुप रह जाता है तो हम उसको बोलते हैं कपट। एग्जाम्पल, उदाहरण में लिखा हुआ है कि ए है जो नीलामी द्वारा अपना घोड़ा अपनी पुत्री बी को बेचता है। बताओ कैसे सिचुएशन है कि एक बाप अपनी बेटी को ही घोड़ा बेच रहा है, भाई फ्री में दे दो। ए नीलामी द्वारा अपना घोड़ा अपनी पुत्री बी को बेचता है, बी अभी हाल ही में वयस्क हुई है, ठीक है, मतलब 18 साल की तो हो गई। चलो ए को घोड़े के दोषपूर्ण होने का ज्ञान है। अब बच्चे यहाँ पे ए को पता है कि उसका जो घोड़ा है उसमें कोई ना कोई तो कमी है, और जबकि यहाँ पर उसने अनुबंध कर लिया है बी से कि भाई मैं तुम्हें अपना घोड़ा बेचूंगा। अब जो भी दोष है घोड़े के अंदर, जो भी कमी है, वो ए को पता है कि भाई मेरे घोड़े में ये कमी है। यहाँ ए और बी के मध्य संबंध इस प्रकार के है कि ए का कर्तव्य है कि वह बी को घोड़े के दोष बताए। अब बताओ ये एक ऐसी सिचुएशन आ गई कि जहां पर ए को बताना पड़ेगा कि बी को कि इस घोड़े में जो आप खरीद रहे हो उस घोड़े में ये कमियां हैं। अब यहाँ पर उसका ये कर्तव्य है, अगर वो नहीं बताएगा वो चुप रहेगा, और बाद में कमियां अगर नजर आएगी तो फिर यहाँ पे इसको हम फ्रॉड कहेंगे, ये कपट माना जाएगा। यदि ए मौन रहता है तो यह कपट होगा, ठीक है, ओके क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट है, यदि मौन स्वयं बोलने के समान है, मतलब सिचुएशन कुछ इस तरीके से है कि अगर आप चुप रह गए तो इसका मतलब है कि आपने हामी भर दी या आपने ना कर दिया। सिचुएशन कुछ इस तरह से है कि अगर आप चुप रह गए तो इसका मतलब या तो हाँ माना जाएगा या तो ना माना जाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं कि लिखा क्या है। यदि स्थिति इस प्रकार की है कि मौन रहना बोलने के समान है, तब मौन रहना कपट माना जाता है। ऊपर के उदाहरण में यदि बी ए से कहती है कि यदि आप इनकार नहीं करते तो मैं मान लेती हूं कि घोड़ा स्वस्थ है, अब देखो यहां पर कंडीशन क्या कर दी। बी ने कहा कि अगर आप चुप हो, अगर आप नहीं बोलोगे कुछ, तो मैं ये मान लूंगी कि जो घोड़ा मैं खरीद रही हूं वो स्वस्थ है, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो इसका मतलब अगर वो पर्सन चुप रहेगा तो हम क्या मानेंगे कि उसने हामी भर दी, राइट। आगे क्या लिखा हुआ है, तो इस कंडीशन में कहते हैं कि चुप रहने का मतलब बोलने का समान है, तो अगर चुप हो गया तो इसका मतलब हाँ कर दी उसने। आगे लिखा हुआ है, यहां ए का मौन रहना बोलने के बराबर माना जाएगा। निम्न परिस्थितियों में तथ्य प्रकट करना आवश्यक माना जाता है। क्या लिखा है जरा देखें, निम्न परिस्थितियों में तथ्य प्रकट करना आवश्यक माना जाता है, अर्थात तथ्य प्रकट ना करना कपट माना गया है। कैसे वो एक बार देख लेते हैं कि ऐसी कौन कौन सी परिस्थितियां हैं जहां पे आपको तथ्य देने जरूरी है। तो पहला पॉइंट है आपका वैधानिक उत्तरदायित्व। संपत्ति हस्तांतरण के समय विक्रेता का यह कर्तव्य है कि वह क्रेता को संपत्ति के स्वामित्व या अधिकार के सभी दोषों को प्रकट कर दें। तो कैसी कैसी कंडीशंस में आपका जो मौन रहना है वो नहीं माना जाएगा, मौन रहना आपका कपट माना जाएगा, तो किस कंडीशन में आपका बोलना जरूरी है। तो पहला पॉइंट है वैधानिक उत्तरदायित्व। अगर आप कोई कानूनी कार्य कर रहे हो तो ऐसे में आपको बोलना बहुत जरूरी है।
तो जैसे अगर आप किसी संपत्ति का हस्तांतरण करते हो या कोई और अदर चीज कोई बेचते हो, तो आपका भी ये कर्तव्य है कि उसकी जो भी कमियां हैं उसके बारे में बताएं, मतलब अपना मुंह खोलो उस टॉपिक पे। महत्वपूर्ण जानकारी देना, एक एजेंट का कर्तव्य। अब देखो एजेंट यहाँ पर अलग अलग टाइप के हैं, मेरा फेवरेट LIC है तो मैं LIC की ही बात करूंगा, ठीक है। या कह लो कि नेटो मार्केटिंग कंपनी आजकल बहुत एक्टिव है, वो बहुत टाइम से एक्टिव है। वहां पे भोले भाले जो बच्चे हैं उनको फंसाया जाता है, उनको बताया जाता है कि आप नेटो मार्केटिंग यहाँ पे आओ और इतने पैसे कमाओ, उतने पैसे कमाओ और बहुत सारी चीजें आप कर लोगे, आप R15 ले लोगे, आप ऑडिका ले लोगे, अलग अलग सपने दिखाए जाते हैं। पूरे कितने लोगों के होते हैं वो देखने वाली बात है। अगर देखा जाए तो उसमें प्रोडक्शन कुछ नहीं होता। अगर हम नेटो मार्केटिंग की बात करें, मैं ये नहीं कहूंगा कि टोटली ही नेगेटिव पॉइंट है, एक अच्छी बात है कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाता है, किस तरीके से बात करनी है वो आपको आ जाता है, आपके अंदर बहुत सारे चेंजेस होते हैं फिजिकली लेवल पे, जो आप शायद बाहर पैसे देके आप वो कोर्स करते तब जाके वो सारी चीज आपके अंदर आती, वो क्वालिटी आपके अंदर आती। लेकिन यहाँ पर कुछ पैसे देके आपको कम से कम पर्सनैलिटी तो आपकी डेवलप हो ही जाती है, भले ही कुछ हो या ना हो, इनकम हो या ना हो, एक अलग बात है। तो टॉपिक पर आते हैं। टॉपिक क्या है कि अगर कोई एजेंट अगर आपको कुछ बेच रहा है तो उसका ये कर्तव्य है कि जो भी पॉलिसी आपको बेच रहा है, चाहे वो नेटवर्क मार्केटिंग का ही पर्सन क्यों ना हो, वो उससे रिलेटेड सारी बातें आपको बता दे, क्लियर बताए। अगर कोई भी चीज आपको छुपाता है या चुप रहता है किसी पॉइंट पे, तो उसको हम कपट मानेंगे बेटा। तो महत्वपूर्ण जानकारी देना जरूरी है, इस टॉपिक पे मुंह खोलना जरूरी है। इस टॉपिक पे अगर कोई मौन रह जाएगा तो वो उसको कपट माना जाएगा। परम सद्विश्वास के अनुबंध, कुछ ऐसे अनुबंध होते हैं बेटा जो एक पक्ष के पास सत्य बोलने की, मतलब आप कह सकते हो कि एक जो दो पार्टीज होती है, हमेशा जब भी आप अनुबंध करते हो तो ऐसे में एक पार्टी के पास वो सारी जानकारी होती है जो वो सामने वाले को बताना उसकी एक तरह से उसका कर्तव्य बन जाता है। एग्जाम्पल के नाम पे आप बोल सकते हो जैसे कि वकील, अब मान के चलो कोई केस आप लड़ रहे हो अब कोर्ट में, और वकील आप आपको यहाँ पर सारी सच्चाई बताए कि देखो ये जो केस है वो कई सालों तक जा सकता है, पर अगर ऐसे में जो वकील होते हैं जानबूझ के झूठ बोलते हैं कि 6 महीने में करा देंगे, 3 महीने में करा देंगे, और वो पूरी जिंदगी लग जाती है उस केस को लड़ते लड़ते। तो परम सद्विश्वास अगर आपके पास है, अगर आप विश्वास रखते हो सामने वाली पार्टी के ऊपर और सामने वाली पार्टी के पास वो सारी नॉलेज है, उनके पास सारी जानकारी है, इन्फॉर्मेशन है, तो अब वो उनका कर्तव्य है कि वो आपको सारी बातें क्लियर करके बता दे। ये वो अनुबंध होता है जहां पे आप विश्वास करते हो सामने वाले पर्सन के ऊपर कि वो आपसे कोई बात नहीं छुपाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है बेटा सद्विश्वास के अनुबंध निम्नलिखित है। देखो अगर हम बात करें सद्विश्वास, तो जब आप किसी के ऊपर विश्वास करके अनुबंध करते हो तो कौन से होते हैं वो अनुबंध होते हैं आपके बीमे के अनुबंध, एजेंट वाले, जहां पे आपको ये उम्मीद रहती है कि जो एजेंट है वो आपको सारी बातें बताएगा। अचल संपत्ति, इसका मतलब आपकी जो प्रॉपर्टी है, फॉर एग्जाम्पल आपकी जो जमीन है, आपके जो घर है, वो अचल का मतलब जो चल ना सके, मतलब फिक्स असेट्स जिसे आप कहते हो। आगे लिखा हुआ है विक्रय संबंधी हो गया ये, ठीक है। साझेदारी अनुबंध मतलब पार्टनरशिप, अगर आप पार्टनरशिप करते हो किसी पर्सन के साथ बिजनेस करते हो, तो ऐसे में आप उसके सामने वाले के ऊपर भरोसा कर रहे हो। अब आपको यहाँ पे ये भी देखना है कि वो सामने वाले पर्सन की कोई ऐसा कोई रिकॉर्ड तो नहीं, कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड हो या पहले से लॉस खा के बैठा हो, या वो उसकी जो ऐसी कोई सिचुएशन है जिसकी वजह से आपको इन फ्यूचर कभी लॉस हो सकता है, क्या पता मार्केट में उसकी गुडविल बहुत कम हो चुकी हो, नेगेटिव हो गई हो, लोग उसके साथ बिजनेस करना ना चाहते हो, लेकिन गलती से आपने उसके साथ बिजनेस किया और उसके साथ साथ आपको लॉस हुआ, उसकी जो नेगेटिव इमेज जो मार्केट में थी उसका इम्पैक्ट आपके बिजनेस से पड़ा। तो ऐसे में अगर आप कोई भी काम करते हो सद्विश्वास के ऊपर, किसी के ऊपर विश्वास रख के, तो ऐसी सिचुएशन में बच्चे आप क्या करोगे, आप सामने वाले की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाएगी, आप उसको बताओगे कि ये अब आपका कर्तव्य है कि आप मुझे बताओ। अगर आप चुप रहोगे तो अल्टीमेटली आपके पास एक ऑप्शन होता है कोर्ट में जाने का, और आप वहां पे बोल सकते हो कि इसे मेरे साथ कपट किया, ये चुप रहा उस सिचुएशन में और मुझे इसने नहीं बताई, ये सारी बातें तो मुझे नहीं पता थी। तो नेक्स्ट पॉइंट है बेटा हमारा, लास्ट टॉपिक इसका, परस्पर विश्वासित अनुबंध। अब विश्वासित अनुबंध का मतलब क्या हो गया कि आप
सामने वाले भी भरोसा करते हैं और सामने वाला आपके ऊपर भरोसा करता है। बहुत ही अच्छा जो एग्जांपल है वह है डॉक्टर और मरीज का, और एक वकील का भी था अपने कस्टमर के साथ जो भी उसका ग्राहक होता है जो केस करवा रहा है। अब देखो यहाँ पर ये एग्जांपल यहाँ पर क्यों आया वकील का, अगर आप किसी के पास किसी वकील के पास जाते हो अपना केस लेकर तो वकील भी चाहता है कि आप सच्चाई बताओ। अगर आपने केस से रिलेटेड कोई भी झूठ बोला है तो वो भी बात मानने वाली नहीं होगी, वहां पर भी माना जाएगा कि आपने मौन रहकर कपट किया, हमारे साथ फ्रॉड किया। तो ऐसे में वकील उस केस को उस तरीके से लड़ नहीं पाएगा जिस तरीके से वो लड़ सकता था, या उस केस को जीतने की कितनी पॉसिबिलिटी थी वो भी वो जज कर लेता है आपकी सारे सिचुएशन पता करने के बाद। तो अगर आप कोई बात छुपाते हो तो ऐसे में, या चुप रह जाते हो तो ऐसे में उसको फ्रॉड माना जाता है। सेम चीज वकील के साथ भी है, अगर केस से रिलेटेड कोई भी बात है तो वकील को सारी बातें क्लियर करनी चाहिए, वकील को सारी बातें बतानी चाहिए। और अगर वकील अगर चुप रह जाता है, मौन रह जाता है, तो ऐसी कंडीशन में बच्चे वो भी कपट माना जाएगा, वो भी फ्रॉड माना जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट था डॉक्टर और मरीज का, तो मरीज को भी सारी बातें बतानी चाहिए उससे रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स है। एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, अभी एक एक लेडी थी, प्रेग्नेंट थी, और जब प्रेगनेंसी जब होती है जो डॉक्टर होते हैं वो सारी की सारी हिस्ट्री पूछ लेते हैं उस लेडी से कि आपकी फैमिली कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, तो उसके अकॉर्डिंग वो ट्रीटमेंट करते हैं ड्यूरिंग जो भी प्रेगनेंसी टाइम होता है उसमें। लेकिन यहाँ पे पॉइंट क्या हो जाता है कि कई बार कुछ लोग अपनी रियलिटी छुपा लेते हैं ये सोच के कि डॉक्टर क्या सोचेगा। अब ऐसी कंडीशन में जो मेरे सामने जो मैंने देखा कि एक लेडी जब उसका जब लिवर पेन जब स्टार्ट था उस टाइम पे उसको खून की उल्टियां हो रही थी, उसकी हेल्थ इतनी खराब, उसकी कंडीशन इतनी खराब हो चुकी थी, और जब पता चला तो ये पता चला कि उस लेडी ने डॉक्टर से कुछ बातें छुपाई थी कि उसको समहाउ कुछ प्रॉब्लम कोई हुई होगी, तो वो जो बीमारी थी वो जो डिजीज थी उस पर्सन को उस लेडी को वो उसने छुपाई थी डॉक्टर से। अगर वो पहले ही बता देती तो शायद वो कंडीशन ऐसी क्रिटिकल कंडीशन क्रिएट नहीं होती। तो ऐसे में भी अगर किसी पेशेंट की अगर डेथ हो जाती है तो डॉक्टर यहाँ पे बोल सकते हैं कि मुझे उन्होंने पूरी बात नहीं बताई थी, इस रीजन की वजह से ये सारी चीजें हुई थी। तो बच्चों डॉक्टर के सामने कोई भी बात मत छुपाओ, कोई प्रॉब्लम है खुल के बताओ, क्योंकि अगर आपने कोई भी बात छुपाई और वो कोई भी अगर टैबलेट आपको देता है और वो अगर रिएक्ट कर जाती है तो इसमें गलती आपकी होगी, डॉक्टर की नहीं होगी। तो मेक श्योर कि डॉक्टर के पास जब भी जाओ तो सारी सच्चाई बताओ। अच्छा नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि डॉक्टर को भी आपको सारी बातें बतानी चाहिए, राइट। अगर मान के चलो आपको नॉर्मल खांसी है और आप गए डॉक्टर पर और डॉक्टर ने बहुत सारे टेस्ट लिख के दे दिए कि ये भी करा लो, ये भी करा लो, ये भी करा लो, जबकि यहाँ पर अगर डॉक्टर ये कहे कि मे भी ये प्रॉब्लम हो सकती है इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये सारे टेस्ट एक बार करा लो, तो ऐसे में क्या हुआ कि डॉक्टर ने आपको क्लियर बता दिया कि पॉसिबिलिटी हो सकती है, जरूरी नहीं है कि ये सारी चीजें हो आपके अंदर। अब ये आपके ऊपर होता है कि आपको टेस्ट कराने हैं या नहीं कराने, हो सकता है तो आप अपने डॉक्टर चेंज भी कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि वो डॉक्टर ज्यादा पैसे ले रहा है या वो ज्यादा टेस्ट करा रहा है तो ऐसे में आप अपना डॉक्टर चेंज कर सकते हो, क्यों, क्योंकि आपको कोई सीरियस कोई प्रॉब्लम नहीं बताया डॉक्टर ने। लेकिन अगर डॉक्टर चाहता तो आपसे बातें छुपा के आपको बहुत सारी बातें बोल सकता था कि आपके अंदर ये प्रॉब्लम है, आपको ये भी टेस्ट कराना पड़ेगा, वो भी कराना पड़ेगा, लिटरली वो आपको एक तरह से आपको डरा देता मेंटली लेवल पे। तो डॉक्टर और मरीज दोनों को ही चुप नहीं रहना, दोनों को ही अपनी जो भी इंपॉर्टेंट बातें हैं वो सभी बतानी चाहिए। तो ये कुछ पॉइंट है बेटा हमारे यहाँ पे, जिसमें हम एक पॉइंट था सद्विश्वास, जहां पे आप विश्वास करते हो सामने वाले के ऊपर, और यहाँ पर जो ये वाला पॉइंट है इसमें विश्व आश्रित का मतलब होता है दोनों एक दूसरे के ऊपर भरोसा करते हैं। तो ये पॉइंट थे हमारे चार, और कुछ पॉइंट कुछ दो एग्जाम्पल हमने पढ़े इसमें। और नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है बच्चे, वो क्वेश्चन है हमारा कपट और मिथ्या वर्णन में अंतर, ठीक है। तो ये दो पॉइंट क्या है, अब अगर हम इसको इंग्लिश में अगर हम देखें तो ये जो कपट है उसको बोलते हैं फ्रॉड, और मिथ्या वर्णन को कहते हैं बेटा मिस रिप्रेजेंटेशन। इसका मतलब आपने क्या किया, ये मिथ्या वर्णन का मतलब होता है कि आपने किसी चीज को लेकर जो उसको एक्सप्लेन किया वो गलत किया,
वो देखो जब भी आप एक्सप्लेन करते हो तो वो आपका बाई चांस हो जाता है, आप जानबूझ के आप गलत एक्सप्लेन नहीं करते, ठीक है। तो इसको हम बाय मिस्टेक कहते हैं, जब भी अगर आप रिप्रेजेंट करोगे लेकिन आप गलत रिप्रेजेंट कर जाते हो तो उसको हम बोलते हैं कि ये बाय चांस कर दिया आपने, लेकिन फ्रॉड तो आप जानबूझ के करते हो, ठीक है। तो क्या लिखा हुआ है इसके बारे में, क्या है इन्होंने कहा है, इन दोनों में अंतर क्या है। तो अंतर देखो, इन्होंने चार पॉइंट बताए हुए हैं, इन चारों पॉइंटों के बेस पर इन्होंने डिफ्रेंशिएट किया है इसको। पहला है आपका उद्देश्य, तो कपट का उद्देश्य धोखा देना होता है स्टार्टिंग से, आप फ्रॉड करते ही धोखा देने के लिए, लेकिन मिथ्या वर्णन अज्ञानवश होता है, वो बाय चांस हो जाता है, ध्यान रखो। तो इसका उद्देश्य आपका अज्ञानवश है, मिथ्या वर्णन, मिथ्या वर्णन का उद्देश्य धोखा देना नहीं होता, ये कह सकते हो कंडीशन ऐसी है या किसी वजह से ये सारी चीजें हो जाती है। अधिकार, कपट की स्थिति में पीड़ित पक्षकार को अनुबंध निरस्त करने, उसकी पुष्टि करने एवं हानिपूर्ति कराने का अधिकार है। देखो अगर कोई कपट होता है आपके साथ तो आप एक तो उस अनुबंध को खत्म कर सकते हो और साथ में सामने वाले पर्सन से आप क्षतिपूर्ति भी ले सकते हो या जो भी आपको हानि हुई है वो भी आप कंपनसेट कर सकते हो। लेकिन अगर मिस रिप्रेजेंटेशन हुआ है, अगर मिथ्या वर्णन की दशा हुई है, तो बेटा ऐसे में आप सिर्फ अनुबंध को खत्म कर सकते हो, क्षतिपूर्ति आपको नहीं मिलेगी, ठीक है। उसके पीछे का रीजन भी है, रीजन क्या है कि अगर कोई आपको मिस रिप्रेजेंट करता है तो ऐसे में आपकी भी ड्यूटी होती है कि अपने माइंड से क्लियर कर लो, राइट। अगर मान के चलो कोई पर्सन है जो आपको प्रॉपर्टी दिखा रहा है, वो आपसे कह रहा है कि ये प्रॉपर्टी यहाँ पर है और बहुत सस्ती रेट में आपको मिल जाएगी, हालांकि वो एक बिल्डर है और उसने कहा कि 10 लाख रुपए दो, अब 10 लाख रुपए देने के बाद आपको 1-1 लाख रुपए की इंस्टॉलमेंट देनी है और आपको 30-40 लाख का आपका ये पूरा बन के तैयार आपको मिल जाएगा। अब ये आपके ऊपर है कि आप उससे पूछो कि भाई कितने टाइम पीरियड में मिल जाएगा, उसने कहा कि बहुत जल्द मिल जाएगा, तो उसने बहुत जल्द का मतलब उसने तो कह सकते हो कि उसने आपको मिस रिप्रेजेंट कर दिया, आपको मिसलीड कर दिया उसने। अब आपके माइंड में क्या आया, आपके माइंड में आया बहुत जल्द का मतलब 3-4 साल में मिल जाएगा, लेकिन उसका जो टारगेट है हो सकता है उसका टारगेट 10 साल का हो। तो ऐसे में कुछ चीजें ऐसी होती है जो अगर आप थोड़ा सा एफर्ट दो तो आप आसानी से उसकी सच्चाई पता कर सकते हो। इस जो बात मैंने बोली थी वो लास्ट वाले पे आपको काम आएगी। थर्ड पॉइंट पे आ जाते हैं सीधा हम, क्या लिखा हुआ है, यदि उचित समय में पीड़ित पक्षकार ने कार्रवाई नहीं की तो कपट की सहमति वाला अनुबंध वैध नहीं हो जाता। ध्यान रखो अगर आपके साथ कपट होता है, अगर आपके साथ फ्रॉड होता है, तो ऐसे में फिक्स टाइम होता है कि इतने टाइम के अंदर आपको केस फाइल करना है। अगर आप वो मिस भी कर जाते हो तब भी आप दोबारा कर सकते हो, रीजन क्या है, वो फ्रॉड है और वो कानून की नजर में लीगल है ही नहीं। लेकिन अगर आपके साथ मिसलीड हुआ है तो ऐसे में क्या है, अगर एक टाइम पीरियड होता है बच्चे, अगर उचित समय के अंदर अगर आपने कार्रवाई नहीं करी तो एक्सप्लेन किया है वैसे ही अनुबंध बन जाता है फिर, ठीक है। तो कोशिश करो कि अगर आपको मिसलीड किया है कभी तो आप टाइम रहते एक्शन लो उसके ऊपर, अगर आप एक्शन नहीं लोगे तो फिर कोर्ट यही कहेगा कि इतने टाइम से सोते कहाँ थे आप, सो कहाँ रहते, राइट। अब बात आ जाती है बेटा जब सत्य मालूम किया जा सकता था। अब बेटा यहाँ पे पॉइंट क्या है, देखो जैसे मैंने कहा आपको कि अगर आप थोड़ा सा एफर्ट और डालते तो आपको इसका मीनिंग पता चल सकता था, आपको ये प्रॉब्लम होती नहीं, मिसलीड की प्रॉब्लम आपको होती नहीं, जो भी आप कंफ्यूज हो रहे थे वो क्रिएट ही नहीं होती कंफ्यूजन। क्यों, अगर जैसे उस बिल्डर ने कहा आपको कि बहुत जल्द मिल जाएगा तो आपको यहाँ पे एक क्वेश्चन करना था बस कि कितने टाइम पीरियड के अंदर, वो टाइम पीरियड हमें बताओ। अगर आप इतनी सी बात बोल देते तो आप मिसलीड होते ही नहीं। तो वही लिखा हुआ है कि जब सत्य मालूम किया जा सकता था। देखो मिथ्या वर्णन की स्थिति में यदि साधारण प्रयत्न द्वारा एक सामान्य ज्ञान रखने वाला व्यक्ति सत्यता जान सकने की स्थिति में था तो यह अनुबंध रद्द नहीं कर सकता। अब यहां पर कंडीशन देखी जाती है कि अगर एफर्ट, थोड़ा सा एफर्ट देके आपको सच्चाई पता चल सकती थी या नहीं चल सकती थी। अगर लगता है कि नहीं ये थोड़े से लीगल टर्म्स एंड कंडीशंस है और नॉर्मल पर्सन ये नहीं जानता, इस वजह से उन्होंने मिसलीड इसको कर दिया बाय चांस, तो ऐसे में आप चलो उस अनुबंध को खत्म कर दोगे। लेकिन अगर किसी भी तरीके से कोर्ट को ये लगता है कि ये आपकी गलती है, आप मिसलीड नहीं हो सकते थे, अगर आप थोड़ा सा एफर्ट और करते
तो ऐसे में वो अनुबंध आपका वैलिड माना जाएगा और वो आप खत्म नहीं कर सकते। आगे लिखा हुआ है, परंतु कपट की स्थिति में कपट करने वाला पक्षकार कपटपूर्ण मौन के अलावा इस तरह का सहारा नहीं लेके जा सकता। इस लाइन का मतलब क्या है, दोबारा एक बार पढ़ लेते हैं। कपट की स्थिति में कपट करने वाला पक्षकार कपटपूर्ण मौन रहने के अलावा इस तर्क का सहारा नहीं लेके जा सकता। कहने का मतलब यह है कि अगर आपके साथ फ्रॉड होता है तो सामने वाला पर्सन जब उसको केस, जब उसको आप कोर्ट में लेके जाओगे तो उसके पास सिर्फ एक ही बात होगी, चुप रहने के सिवा और कुछ नहीं कह सकता वो बेटा। वो सिर्फ कोर्ट में चुप रह सकता है और कुछ नहीं कह सकता। ऐसे में क्या होगा कि जब आपने कुछ पूछा और वो सामने कोर्ट में ये कहेगा कि सर इन्होंने पूछा मुझसे और मैंने कुछ नहीं बोला। फॉर एग्जाम्पल कि मान के चलो आपने कहा कि बिल्डर से कि ये कितने टाइम पीरियड में मिल जाएगा और वो चुप रहा। अब ऐसे में आपने क्या सोचा कि अगर ये चुप है तो इसका मतलब दो चार साल में दे ही देगा। तो अगर आप केस करते हो, कहते हो कि सर मैंने इसको कहा था कि कितने टाइम में मिल जाएगा और दो चार साल इन्होंने कहा था लेकिन इन्होंने नहीं दिया। अब ऐसे में बिल्डर के पास एक ही पॉइंट है बोलने का कि जज को कि सर मैं चुप था, मैंने नहीं बोला इनको दो चार साल में मिलेगा। तो यहाँ पर अगर फ्रॉड होता है तो सामने वाली पार्टी के पास सर एक ही ऑप्शन होता है कि वो चुप रह जाए वहां पर, तो वो केस जीतने के चांसेस उसके रहेंगे। लेकिन अगेन यहाँ पे कपट पूर्ण अगर कोई व्यवहार होता है, अगर आप चुप रहते हो तो उसको भी हम फ्रॉड माना जाता है। अगर वहां पर बोलना उसका एक अधिकार है, उसका अगर कर्तव्य है तो उसको हम फ्रॉड मानेंगे। ठीक है, तो बच्चे ये टॉपिक था हमारा, जो दो क्वेश्चन थे, एक था मौन रहना कपट है या नहीं और दूसरा क्वेश्चन था आपका कपट और मिथ्य वर्णन मतलब मिस रिप्रेजेंटेशन। ये दोनों ही क्वेश्चन एक साथ आ सकते हैं मिक्स करके, और ये 12 नंबर का क्वेश्चन 15 नंबर का क्वेश्चन आराम से बन सकता है, तो एक बार ये देख लेना। और उसके बाद जो क्वेश्चन इसमें जो देखने को मिला है वो है गलती से क्या समझते, हालांकि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है और ये मैं पढ़ने के लिए भी नहीं कहूंगा ये वाला क्वेश्चन, और इसमें कुछ और क्वेश्चन मैं आज ऐड कर देता हूँ आपके साथ जो कि मुझे नहीं लगता कि वो पढ़ना चाहिए, मतलब मुझे पढ़ाना चाहिए लेकिन आप पढ़ सकते हो। तो ये जो मिस्टेक वाला था ये मत पढ़ना। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें देखने को मिलेगा, कोई और क्वेश्चन बेटा देखने को है नहीं इसके अंदर। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा कंसीडरेशन ही आ जाएगा और ये कंसीडरेशन हम कर लेंगे। और आज की वीडियो इसलिए भी छोटी थी क्योंकि बहुत टाइम से मेरे पास बहुत ज़्यादा वर्क आ रहा है और ऑलरेडी मेरा कोचिंग सेंटर जो रन कर रहा हूँ मैं, और उसके बच्चे भी जो है वो मैसेज कर रहे थे ऑनलाइन क्लासेस के लिए, अब उनकी क्लासेस लेनी बहुत ज़रूरी है। ये 12th क्लास के बच्चे हैं जिनका अकाउंटेंसी बिजनेस और इको मुझे पढ़ानी होती है, और अगर आपके नॉलेज में भी है कोई स्टूडेंट तो आप मुझसे कॉन्टेक्ट करवा सकते हैं, ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो जाएगी आज से उन सभी बच्चों की। तो चलिए बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक जितना भी पढ़ाया है उसको याद करो अच्छे से और कोशिश करो कि इस वीडियो को शेयर करो अपने दोस्तों के साथ जितना कर सको, उनकी पढ़ाई करवाओ, खुद भी पढ़ो बच्चे। और मेक श्योर अगर नए हो तो बेटा सब्सक्राइब करो चैनल को और कमेंट करके बताओ कि वीडियो कैसी लगी, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक बनता है, इस वीडियो को लाइक भी जरूर करो। तो चलिए बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम करेंगे कंसीडरेशन। ओके।